डेंगू नियंत्रण की हकीकत जाननी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी के बाद अब स्वास्थ्य सचिव का हल्द्वानी का दौरा है और वहां वो पहुंचे हैं जहां उन्होंने सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में मरीजों का हालचाल जाना है, साथ ही हॉस्पिटल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर ने कहा है कि मरीजों को विवश है प्लेटलेट्स ना चढ़ाई जाए और डेंगू के टेस्ट रिपोर्ट में भी तेजी लाई जाए। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी पर भी स्वास्थ्य सचिव सख्त नज़र आए हैं। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों की लापरवाही मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर डेंगू के 307 एक्टिव केसेस हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विजिट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विजिट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं गवर्नमेंट की ओर से कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन जो है अवॉइड करें डॉक्टर्स, और अगर प्रॉपर डेंगू केयर और मैनेजमेंट नहीं किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा